चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाब गांव में जमीन विवाद के एक मामले ने दूधमुहे बच्चे की जान लेने का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर चंदवारा थाना में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। थाने में दिए गए आवेदन में ढाब निवासी व मृतक के चाचा रामदेव यादव पिता स्वर्गीय सोबरन यादव ने कहा कि शनिवार की सुबह लगभग 3 बजे मेरे ही गांव ढाब के अनिल यादव, मुन्ना यादव, दोनों के पिता टुकन यादव, संदीप यादव, आनंद यादव, दोनों के पिता नारायण यादव, मनोज यादव, अशोक यादव, दोनों के पिता स्वर्गीय गिरधारी यादव सभी मेरे घर में घुस गए। मेरी भाभी के साथ बलात्कार करने का प्रयास करने लगे। उनकी गोद में 3 माह का बच्चा था जिसे उन लोगों ने मार डाला। हल्ला करने पर घर के सभी लोग इकट्ठा हुए जिसे देख पास में रखे पुआल के माचा में आग लगाकर कहने लगे आज पूरे परिवार को जलाकर मार देना है। इतना कहकर सभी भाग गए। घटना के बाद शनिवार को मृतक के परिजनों ने बच्चे को जमीन में दफन कर दिया जिससे रविवार को प्रशासन के आदेश पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार यादव, चंदवारा थाना प्रभारी दुष्यंत सिंह ने शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। इधर पुलिस मामले को गंभीरता से जांच करने में जुट गई है। चंदवारा से धीरज कुमार की रिपोर्ट। संस्कार हम जो है आप फिर वहां से लाए, फिर हम संस्कार कर दिए। बड़ा बाबू को हम बोले कि सर पोस्टमार्टम करवाइएगा, तब बड़ा बाबू बोला कि रे से तुमको जो डेट बोलिए से तुम करो, हम नहीं कुछ करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं आपका, हमरा क्या, हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम जो है सब फिर इसी आया, फिर आया थाना वाला, फिर देखा ही सब, उस समय कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद जो है सो बड़ा बाबू से कहीं गए थे, उसके बाद हम जो है धन सकार कर दिया। अब फिर सुबह में जो उन लोग आया और उसके बाद बच्चा को ले लिया, फिर निकलवा लिया और फिर पोस्टमार्टम करवा लिया। उसके बाद अभी जो दर्शन करवा चलवा, अभी आप क्या चाहते हैं? अपने परिवार का एक छोटा बच्चा जो है कि मौत हो गई है, इसके बाद थाने में पुलिस में आपने आवेदन दिया, अब क्या चाहते हैं आप? सर देखिए सर, अभी तक हम तो यही चाहेंगे गिरफ्तार इन लोग होगा, जो हमारा सच्चाई से मिलना चाहिए। ये सब जो भी मामला है, हम लोग को फंसाने के दरमियान में बोला जा रहा है, हम लोग को फंसाया जा रहा है। हम लोग का 24 साल से सिविल सूट चला जिसमें हम लोग को 2018 में जजमेंट हुआ, उसके बाद हम लोग का 144 का भी धारा चला जिसमें हम लोग 3 महीने के बाद हम लोग धान उठाए, उसमें भी हम लोग का जजमेंट हुआ। और किसी तरह का भी घटना होता है तो ये बंदा हम लोग को फंसाने के लिए पूरा माने हम लोग का घर बर्बाद करने के लिए हर तरफ से। एक बार हम लोग सलोनिया के बीच में भी दरमियान में हम लोग को मारपीट किया, हम लोग घर में नहीं रहते हैं, तो बूढ़े बुजुर्ग को बच्चे को भविष्य बर्बाद करने के लिए और ये सब मारपीट करता है। और वैसा कोई बात नहीं, जो भी इसमें है वो जमीनी विवाद लेकर, और इससे हम प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि इसकी अच्छी छानबीन करे और जो गलत है उसको गलत का सजा मिलना चाहिए, जो सही है उसको सही का सजा मिलना चाहिए। एसडीओ कोटरमा के द्वारा मुझे बताया गया कि आपको मजिस्ट्रेट बनाया गया है, एक बच्चा को जो है दफना दिया गया है, उसको निकलवा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना है। तो मैंने और थाना प्रभारी जाकर उसको सुबह सुबह वहां से बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मामला में क्या कुछ सामने आया है सर? मामला जांच का विषय है, जांच में देखिए क्या होता है। कौन कौन लोग वहां पे उपस्थित थे सर आप लोग की तरफ से? हम थे थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारी लोग, 2-3 और थे। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।